आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट, नो एड ब्रेक्स। अगर इस तरह की बकचोदियां देखनी है इसकी इसकी और बस इन दोनों की, तो फिर बने रहिए इस चैनल पर। और आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं भाई? बने रहिए से तुम क्या कह रहे हो, उनको बनने के लिए कह रहे हो कि रुके रहें? बने रहिए, मतलब दोनों काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तुम लोग बनते रहो बस, रुके तो फिर बहुत लोग हैं। सुनो, दोनों की मत सुनो, दोनों की मत सुनो, देखो और जाओ सिर्फ। अरे ये एग्रेसिव नहीं होना था। फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक क्या भाई, वो तो बात कर लो। टॉपिक है हमारा, हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं दुनकी पे। दुनकी जो शाहरुख खान का नया भैया, ड्रॉप वन। पहले टीजर्स आया करते थे, अब ड्रॉप में भाई ने चेंज कर दिया, कुछ नया कॉन्सेप्ट लाया। ये भी कुछ अलग करना चाहता है, क्या चाहिए तुमको? तो ड्रॉप वन पे आज हम लोग बातचीत करेंगे शाहरुख खान की। कितने मिनट का है one? ये है 1:47 का, और क्रिसमस में निकाल रहा है, क्रिसमस वीडियो आ रही है ये, दिवाली में निकाल रहा वीडियो। क्या काट करके बोलोगे कि कसम खा अपनी दादी थी कि आज के बाद इंग्लैंड की बात भी नहीं सोचेगा। लायको मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा? मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचू भी तो मेरी दादी मर जाए। मेरी पूरी फैमिली है, ये चार उल्लू दुपट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं, उनमें एक लड़की है। क्या कैटरीना भी? हमारा जो पहला बच्चा वही तो, बट फिर ज्यादा दिया खराब होता ना, मेनली शाहरुख है उसकी पसंद होती कैटरीना, वो ज्यादा हर्ट करता ना सामने सामने देख के ना, साइड चले जाओ। मेरा माल किसी और की बाहों में, मेरे सामने नहीं होना चाहिए। मेरा माल किसी के भाव में मेरे सामने नहीं होना चाहिए, पीठ पीछे चलेगा। क्या पता कैटरीना कैफ भी बोल दे, मेंटली आई वाज विद यू, फिजिकली आई वाज लुकिंग फॉर समवन एल्स, जैसे दीपिका ने बोला था रणवीर के लिए कॉफी विद करण में। ओपन माइंडेड होते हैं ना सब, तो चलता है इन लोगों में। फिर जब नैरो माइंडेड लोग मैच होना शुरू करते हैं ना, तो सब इनका ओपन माइंडेड गाना, वो तो नैरो माइंड वालों की गलती है भाई। तो फिर ये क्यों? तो तुम ओपन माइंडेड हो नैरो माइंडेड? ज्यादा पैसा आ गया तो ओपन माइंडेड, ज्यादा पैसा कम नैरो माइंडेड। मैं स्विमिंग पूल में नंगा नहाऊंगा, ठीक है, और अभी कुएं बैठ के चड्डी पहन के नहाता हूँ, मजबूरी है। नाम डन है टंकी, पड़ गया क्या? हाँ टंकी लिखा हुआ भाई, तो हिंदी में टंकी। ड्रॉप टू कमिंग सून दे तो दिया है, ड्रॉप टू तो दे ही रहा है। क्या लगता है क्या रहेगा पिक्चर में? वही है, मतलब वही बाहर जाएंगे, बाहर जाने का कोई स्ट्रगल है लोग की, उसी में हंसी मजाक घुसा, स्ट्रगल मतलब लोग जाना चाहते हैं। तो लगता है कि ये लोग वहां पे फिर रियलिटी दिखाना शुरू करेंगे कि इंडियंस को कैसे ट्रीट करते हैं, वैसा कुछ दिखा देंगे, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो इंडियंस लोग वहां पे बहुत साल से फेस कर रहे हैं जो नॉर्मल इनकम वाले लोग हैं। तो जो स्टार्टिंग में जो रेजिस्तान वाली वीडियो तुमको दिखी थी, तो तुमको क्या लगता है वो वहाँ पे लंदन जा रहे हैं कि वहाँ से वो लोग भाग रहे हैं? मुझे लग रहा है लंदन की तरफ जा रहे हैं किसी रूट को कवर करते हुए। मुझे तो लगता तो उसका सूट क्यों हो रहा है? उन लोगों को बोला क्या होगा, आदमी रखे गए होंगे कोई, इमिग्रेट न कर पाए इस तरीके से। ये भी हो सकता है कि अगर देखोगे कि वहाँ से वो लोग भाग रहे हों कुछ करके, क्योंकि पुलिस भी दौड़ा रही थी उसके बाद में सीन में। हाँ ये भी हो सकता है, इंडिया की तरफ भाग रहे हों तब सूट का ऑर्डर दिया गया एंड कहीं होगा, बट पुलिस तो फिर सड़क पे क्यों दौड़ाएगी, इस तरफ क्यों नहीं आएगी भाई? तो उसके अबे मूवी है, तेल खत्म हो गया होगा क्या?
उधर तो मिलेगा नहीं थोड़ा रेगिस्तान में तेल ड्रॉप है ना भाई ड्रॉप टू में थोड़ा सा मिलेगा इन लोगों को मेरे ख्याल से ड्रॉप टू में ही समझ में आएगा कि क्या क्या है मतलब ये चीज तो खैर नाम हम लोग ढूंढ रहे थे समझ में आ गया एक रियल लाइफ के ऊपर इंसिडेंट है ये बट अब देखते हैं क्या होता है मगर एक चीज और यार ये जो बाजी लोग हैं बाजी लोग तो कनाडा विच से गुंडे बनाने जावा कर रहे हैं तो अब लंदन विच क्या लेंगे जाके भाई लोग लेंगे सी ये लोग बाहर ही जाते हैं क्या होता कनाडा से भी अपना व्यवहार खराब हो गया ना कनाडा से हाँ व्यवहार खराब हो गया इसलिए आइडिया तो नहीं दे रहा है मूवी बना के हो सकता है पर गाल में गोली पड़ेगी टीजर में देख लिया रियल लाइफ ही है ये भी सीधा गोली चलेगी टंकी लिख के आ जाएगा वो बॉडी भी इसलिए निकाल भी क्रिसमस में रहा है तो चलो हम लोग ऐसा करेंगे जितने भी ये ड्रॉप डालेगा हर ड्रॉप के हिसाब से हम लोग ये गेस करेंगे कि ये मूवी हिट होगी कि फ्लॉप ठीक है तो इसमें गेस करते हैं ना पहले से इस ड्रॉप का तुम बताओ क्या है हिट है कि फ्लॉप मुझे इस ड्रॉप में कॉमेडी भी दिख रही है एक्शन भी दिख रहा है और स्ट्रगल भी है तो कुछ ना कुछ तो थ्योरी है ठीक है देखने लायक लग रही है हिट है फ्लॉप मैं इसमें मिडिल क्लास बता दो बीच में जाऊंगा मैं टॉप टू जो टॉप टू आएगा ना उसमें डिसाइड कर पाऊंगा कि क्या कोई नहीं इसके साथ तो एक तो ऑप्शन देना पड़ेगा हाँ या ना तो मतलब फ्लॉप या हिट व्यू चेंज कर सकते हो फिर वही तुम्हारा फ्लॉप या हिट मतलब इस फिर ड्रॉप वन के हिसाब से बात करेंगे मेरे को तो हिट लगे भाई बाकी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया लेकिन मुझे तो ऐसा उम्मीद थी पता नहीं क्यों सुगंध आ रही कि फ्लॉप ही है लेकिन भाई फैन बेस के चक्कर में पैसा कमा सकती है यार जब उसकी हैप्पी न्यू ईयर ये सब मूवीज हिट हो सकती हैं फिर उससे तो इसका स्टोरी लाइन बहुत ही अलग लग रहा है भाई हिट एक अलग चीज हो गई भाई और पैसा कमाना एक अलग चीज हो गई वो तो फैन बेस हो गया ना पैसा कमा लेते हैं भाई तो मतलब लोग तारीफ करेंगे हाँ बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है तो हाँ उसको हिट बोल सकते हैं बहुत झाड़ू बिच्चा लगी थी मगर मैंने तो उसको इतना इन लोगों ने उठा दिया था मेरे हिसाब से भी मेरे को लग रहा है कि मूवी हिट हो जाएगी स्टोरी हो रही और फिर मुझे इसमें इतना ओवर एक्टिंग लगी नहीं ना कहीं थोड़ा हाँ मगर मैं ये सिर्फ ड्रॉप वन तक ही रखूंगा और एक और चीज मेरे आंखों के सामने आ गई क्रिसमस तो इन सब चीजों को देखते हुए समझूंगा कि हाँ फेस्टिवल टाइम है उसका अर्निंग मत देख अर्निंग मत देख मूवी कितना कमा रही है देख कि लोग कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं सेटिस्फाई क्योंकि भाई अगर लोग ड्रॉप वन के हिसाब से फिर मैं उतना रिलेट नहीं कर पाऊंगा फिर मेरी एक्सपर्टीज नहीं रह जाएगी ड्रॉप टू चाहिए ना मुझे ड्रॉप टू चाहिए होगा अभी मैं यही बोलूंगा कि फिर ये मिड रेंज में रहेगी ना हिट होगी ना फ्लॉप होगी ये होगा कि वन टाइम वॉच है देख लो वैसा आएगी वही उसको फ्लॉप ही बोलते फ्लॉप ही बोलोगे फ्लॉप तो ये होगा कि क्योंकि फैन बेस तो सभी जाएंगे एक बार देखने के लिए ऐसा नहीं है फैन बेस चलो ठीक है ड्रॉप टू पे डिस्कस करेंगे आगे ड्रॉप टू पे डिस्कशन होगा